बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घर का किराया देने के लिए रकम नहीं, मदद कैसे उतरी, ज़रूर पढ़िए। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलामुअलैकुम। गुज़िश्ता माह एक दोस्त के ज़रिए अबकरी रिसाला मिला। एक बार पढ़ने से तसल्ली नहीं हुई। मैंने कई बार रिसाला पढ़ने के बाद अगले माह का रिसाला भी खरीद लिया और ये सोच लिया कि आइंदा मुसलसल खरीदता रहूँगा। मेरी ज़िंदगी में दरूद शरीफ का एक नाकाबिले यकीन वाक़या जो मेरे साथ गुजरा, आपको भेज रहा हूँ ताकि अवामुन नास पढ़े और वो भी दरूद पाक का फैज़ पाएँ। तकरीबन 10 साल पहले मेरे हालात बहुत ख़राब थे। कई रातें मैं और मेरी बीवी भूखे ही सोए। यकीन कीजिए, फाकों के बारे में सुना था, अल्लाह किसी दुश्मन को ये दिन ना दिखाए। फाके हमने काटे, हमको मालूम रातें, हमें मालूम नहीं रातें कैसे कटती हैं। सफ़ेद पोशी का भरम रखते, किसी के आगे हाथ ना फैलाते। शर्म हमसायों से मांगने ना देती। सारी सारी रात पेट पकड़कर गुजरता। इंसान पानी कितना पी सकता है? अगर किसी ने फाके का मतलब समझना है तो मैं बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने फाके काटे हैं। मुझे एक मुखलिस ने एक दुरूद शरीफ बताया कि सारा दिन इसका विर्द करता रहता। दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिली। मैं रोज़ाना की उजरत पर काम करता था, जो कि 12 घंटों के 215 रुपए देते थे। घर से फैक्ट्री पैदल जाता था, क्योंकि सवारी का किराया नहीं होता था। एक दिन सुबह 6 बजे घर से निकला और दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और वक्फा वक्फा से दुआ मांगता रहा कि या अल्लाह, जब मैं शाम को घर वापस आऊं तो मेरे पास 2000 रुपए हों। कहां से और कैसे आए मैं नहीं जानता। मैं अल्लाह से इल्तिजा करता रहा और दुआ मांगता रहा और मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ता रहा। शाम को 5 बजे उजरत मिली, वही 215 रुपये। सुबह से शाम दुरूद पाक का मुसलसल विर्द करता रहा और अल्लाह से इल्तजा की कि जब मैं घर जाऊं तो मेरे पास 2000 रुपए हों। काम से फारिग होकर जब घर की तरफ रवाना हुआ, फिर दुरूद पाक पढ़ता रहा और मिन्नत करता रहा, क्योंकि मुझे मालिक मकान का किराया देना था। घर से चंद फासले पर मेरे दोस्त का घर था, वो मुझे गली में मिल गया। हाल चाल पूछा तो मैंने बताया कि थक गया हूँ, घर जा के आराम करूँगा। इसने मुझे कहा कि एक मिनट रुकें। वो अपने घर में चला गया। कुछ देर बाद वो आया तो इसके हाथ में 1000-1000 के 2 नोट थे। उसने मुझे वो 2000 रुपये दिए और कहा कि ज़िंदगी में अगर हों तो वापस करना, वरना नहीं। मैं वो 2000 रुपये देख कर रो रहा था कि मेरा रब कितना अजीम है। मैंने अल्लाह से इल्तजा की थी और अल्लाह ने मेरी मुराद पूरी कर दी। मैंने अपने दोस्त से पैसों का तस्करा भी नहीं किया था। मैं तो बस अल्लाह से मांग रहा था, दुरूद शरीफ पढ़ पढ़कर दुआ मांग रहा था। मैंने ये दुरूद शरीफ जिन लोगों को भी बताया, उनके मसाइल हल हो गए। असल शर्त यह है कि आप मजबूर हों, कोई रास्ता ना हो तो सच्चे दिल से पढ़कर दुआ मांगते रहिए। दुरूद शरीफ ये है: कल्लत हीलाती अंता वसीलाती अदरिकनी रसूल अल्लाह। तर्जमा है: मेरे सब हीले ख़त्म हो गए, आप ही मेरा वसीला हैं, मुझे संभालिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।